है दांत का उल्टा चश्मा। अरे गुड मॉर्निंग अंजलि बाबू। फिर वो एयर बैग की शर्ट हो गई थी मेहता साहब को? हाँ, थैंक गॉड फिट आ गई। अरे वाह, कहाँ है मेहता साहब, है के गए ऑफिस? वो देखिए जा रहे। मेहता साहब, बेठालाल, चलो चलकर देखते हैं। ओह गॉड, सूट है यो? क्या आवाज आई भैया? अरे वो कौन है? ओ तेरी कमाले। ओ चल रोशन डार्लिंग, छेती चल ले, चल चल। अरे बाप रे बाप, बेटा अरे अरे उठ उठ उठ, मैं तेरा उठ उठ। अरे बाप कमाले, सुनीता जी कहाँ गए? चोट तो नहीं लगी? अरे देवा, क्या कर रहे हो बिरजू? तुम्हारा ध्यान कहाँ था साइकिल चलाते वक्त? अरे भाई तुम्हारी वजह से बेचारा मेहता साहब को लग गया भाई, देख के चलाना चाहिए ना। अरे साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सीधा सीधा जा रहा था। मेहता साहब अचानक से मुड़े, मैंने ब्रेक भी मारा, लेकिन मेहता साहब तब तक मेरी साइकिल से टकरा गए थे। टेक्निकली ही इज राइट। हाँ वो सही बोल रहा है, एक्चुअली हमने भी देखा था कि मेहता साहब अचानक से पीछे मुड़े थे। हाँ बिरजू तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ठीक है बिरजू तुम जाओ। हाँ आप तो ठीक है ना, आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आपका शर्ट तो पूरा गंदा हो गया है। येलो येलो डटी डटी। तारक ये दाग इतने आसानी से निकलेंगे नहीं, ये देखो। तो मैं मीटिंग में कैसे जाऊंगा? अरे मुश्किल से एक पीली शर्ट मिली थी, वो भी खराब हो गई। अरे अंजलि प्रेजेंटेशन कैसे होगी? आज मेरा बॉस मेरी नौकरी खा जाएगा। मेहता साहब आपको ध्यान रखना चाहिए कि इम्पोर्टेंट येलो शर्ट पहनकर आप मीटिंग में जा रहे थे। इम्पोर्टेंट येलो शर्ट मतलब इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आप येलो शर्ट पहनकर जा रहे थे, तो आपको ध्यान से चलना चाहिए था। अरे मैं ध्यान से ही चल रहा था, ये जेठालाल ने मुझे पीछे से आवाज लगाई इसलिए मैं पलटा और ये हादसा हुआ। अगर जेठालाल आवाज नहीं लगाता ना तो ये होता ही नहीं। वाह, मतलब परिस्थितियां ने कल्प्रिट बस एक जेठालाल। कलेब्रेट उसको समझ में नहीं आएगा। हाँ मतलब परिस्थिति अनेक और अपराधी एक जेठाला। ये भाई है परिस्थिति अनेक अपराधी एक मंजे का, ऐसी और कौन सी परिस्थिति तुझे पता है जिसमें मेरी वजह से किसी को तकलीफ हुई हो? ओह अगर वो रिकॉर्ड में रखता ना जेठाला तो मुझे लाइब्रेरी खोलनी पड़ती। तू हवा में तो नको बोलू, प्रूफ दे मतलब प्रूफ दे। अरे बाकी सब प्रूफ तो आत्माराम याद करके बाद में दे देगा, लेकिन अभी ये एक्सीडेंट तो तुम्हारा वजह से हुआ है ना? अरे मेरी वजह से नहीं हुआ है, बिरजू की वजह से हुआ है यार भाई। मैंने तो मेहता साहब को आवाज दी ऑल बेस्ट बोलने के लिए। तुम्हारा ऑल बैड के चक्कर में मैं तो सबको ऑल बैड हो गया ना। बैड क्या बस्ट हो गया, पूरा शर्ट खराब हो गया। अरे इतना क्या शर्ट शर्ट कर रहे हैं, मालूम है आपका शर्ट पहना है मेहता साहब ने। अच्छा चलो ठीक है, आपका शर्ट बिगड़ा है ना, मैं आपके एक शर्ट के जगह पे आधा डजन शर्ट सेम टू सेम दे दूंगा बस। ओ जेठालाल ऐसा आधा डजन शर्ट देने का क्या बात करता है,
मैं तुमको एक डजन शर्ट दे सकता है। अरे तो देने को तो मैं आपको 5 डजन शर्ट दे सकता हूँ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, शर्ट की नीलामी बंद करो। यहाँ पे मेहता साहब को अभी एक ही पीली शर्ट चाहिए जिसको पहन के वो ऑफिस जा सके। बोलो तुम दोनों में से कौन दे रहा है? और की यार बोलो। अभी मेरे पास जो शर्ट था वो मैंने दे दिया। ये शर्ट तो जेठालाल की वजह से खराब हुआ है ना। जेठालाल, आज तुम्हारी वजह से मेरी एक नहीं दो दो पीली शर्ट खराब हुई है। दो? 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 दूसरी किसने दी आपको? किसने दिया था मतलब? मैं क्या शर्ट मांग मांग के पहनता हूँ? मेहता साहब, ग्रे मास्टर का कहने का मतलब है कि जो दूसरी शर्ट बिगड़ी थी वो आपको किसने दी थी या आपकी थी? हाँ वो मेरी थी। तो वो शर्ट मेरी वजह से कैसे बिगड़ी? तुम्हारी वजह से ही बिगड़ा है, क्योंकि कल रात को जब तुम मेरे घर आए थे तब मैं वो अपनी पीली शर्ट प्रेस कर रहा था। तुम जैसे ही घर में आए तो फ्लावर वास गिरा दिया। अरे उसकी आवाज सुनकर मैं बाहर दौड़ा चलाया और तुम्हारे चक्कर में मेरी मीटिंग में पहनने वाली पीली शर्ट जल गई। ओ अब समझ में आया यारो, ये पीली शर्ट का चक्कर वहां से शुरू हुआ है। हाँ, और इतनी मुश्किल से एक पीली शर्ट मिली थी और जेठालाल ये तुम्हारी वजह से खराब हो गई।